हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए पनीर मोमोज बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही मज़ेदार ये मोमोज बनके तैयार हुए हैं। और आज हमने एक नहीं बल्कि पांच तरीके से आपको मोमोज फोल्ड करना बताया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पनीर मोमोज बनाना और देख लेते हैं कि ये टेस्टी से मोमोज को हमने किस तरीके से बना के तैयार किया है। पनीर मोमोज बनाने के लिए मैदा ले लेंगे 2 कप, आधा छोटे चम्मच डालेंगे इसमें नमक, 2 टेबलस्पून डालेंगे ऑयल और पहले इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अभी इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक सख्त आटा गूंद लेंगे। मोमोज बनाने के लिए जो डो गूंदा जाता है उसको थोड़ा सा टाइट गूंदा जाता है, रोटी से थोड़ा सा हार्ड हमें डो गूंद के तैयार करना है। अगर बहुत ज़्यादा नरम और मुलायम आटा गूंद के तैयार करेंगे तो मोमोज आपके फट जाएंगे, तो मोमोज के लिए थोड़ा सा टाइट आटा गूंद के तैयार किया जाता है। मैदे को गूंद के इसका सख्त अच्छा सा चिकना सा हमने आटा गूंद के तैयार कर लिया है। 1 टीस्पून ऑयल लगाएंगे ऊपर से और मैदे को रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए। जब तक हमारा मैदा सेट हो रहा है तब तक आइए मोमोज के लिए एक स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग तैयार करने के लिए पैन चढ़ा लिया, इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल गर्म हो गया, अब इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून बारीक कटा हुआ अदरक। अदरक को हमें बिल्कुल बारीक बारीक कट करना है। 2 हरी मिर्ची ले ली है बिल्कुल बारीक बारीक कटी हुई, इन दोनों को ऑयल में डाल देंगे। 30 सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। 30 सेकंड के लिए अदरक और हरी मिर्च को हमने फ्राई कर लिया। अब इसमें डाल देंगे 150 ग्राम प्याज, ये बिल्कुल बारीक बारीक ऑमलेट कट कटा हुआ प्याज है, बिल्कुल बारीक बारीक प्याज कट कीजिएगा और इसे फ्राई कर लेंगे। 1 से 1.5 मिनट के लिए प्याज को हमें ऑयल में फ्राई कर लेना है। 1.5 मिनट के लिए प्याज को हमने फ्राई कर लिया है, बहुत ज़्यादा हमें प्याज को फ्राई नहीं करना है। और अब इसमें डाल देंगे 300 ग्राम क्रम्बल किया हुआ पनीर। इस तरीके से पनीर को हमने हाथों से क्रम्बल कर लिया है और आप चाहें तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं। डाल देंगे पनीर को प्याज में और इसे फ्राई कर लेंगे। और अब इसमें डाल देंगे नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, हमने डाला है 1/2 टीस्पून। 1/4 टीस्पून डाल देंगे इसमें काली मिर्चों का पाउडर और बस पनीर को हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। 2 से 2.5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पनीर को हमने फ्राई कर लिया है और गैस की फ्लेम को टर्न ऑफ कर देंगे। इससे ज़्यादा हमें पनीर को बिल्कुल भी नहीं पकाना है। बस ये स्टफिंग हमारी रेडी हो गई, अब इसे हम अच्छी तरीके से ठंडा कर लेंगे। स्टफिंग को अच्छी तरीके से ठंडा कर लेंगे उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। तो पनीर की स्टफिंग हमारी पूरी तरीके से ठंडी हो गई, इसे इस तरीके से क्रम्बल कर लेंगे और इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया। पनीर के मोमोज में सिर्फ इतनी ही सब्जियाँ जाती हैं, इससे ज़्यादा इसमें सब्जियाँ नहीं डाली जाती हैं। अच्छी तरीके से स्टफिंग को मिक्स कर लेंगे। कम्प्लीटली स्टफिंग हमारी ठंडी हो गई, इसे एक बाउल में खाली कर लेंगे। पनीर की स्टफिंग को अच्छी तरीके से मिक्स करके हमने बाउल में खाली कर लिया, इसे एक साइड में रख देंगे और आइए नेक्स्ट प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं। 15 से 20 मिनट हो गए आटे को रखे हुए और आटा देखिए हमारा अच्छे से सेट हो गया है। एक बार फिर से इसमें पंच लगा लेंगे और आटे को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। आप चाहे तो छोटी छोटी लोइयाँ बना के उससे भी मोमोज बना सकते हैं, हम थोड़ा आसान तरीके से बना रहे हैं। एक साथ बड़ी रोटी बेल के उसके बाद फिर मोमोज की कटिंग करेंगे हम। इस मेथड से बनाइए मोमोज, बनाना आपको भी बहुत आसान लगेगा। मोमोज तो सबको खाने में बहुत पसंद आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें झंझट काम तब लगता है जब इस मोमोज की शीट तैयार करनी होती है। तो इस तरीके से हमने 4 पेड़े तैयार कर लिए। आप चाहे तो छोटी छोटी लोहिया बना के उससे भी मोमोज तैयार कर सकते हैं। अब एक पेड़ा ले लेंगे, थोड़ा सा खुश्क मैदा लगा के इसकी रोटी बेल लेंगे। मोमोज शीट बनाने के लिए हमें रोटी इस तरीके से बेलनी है बिल्कुल पतली सी और आइए इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से कटोरी ले लीजिए या ग्लास ले लीजिए या कोई भी कटर ले लीजिए और इसकी गोल गोल ऐसे शीट्स निकाल लेंगे। हल्का सा खुश्क मैदा इस पर डस्ट कर देंगे और इन सारी शीट्स को एक प्लेट में रखते जाएंगे। इस तरीके से मोमोज की शीट्स हमने कटिंग करके प्लेट में रख ली है। ये देखिए इस तरीके की मोमोज शीट्स हैं, ये ना बहुत मोटी मोटी है और ना ही बहुत ज़्यादा पतली है। इस तरीके से पतली पतली हमें मोमोज की शीट्स तैयार कर लेनी है। तो आप चाहे तो एक साथ रोटी बेल के इस तरीके से रोटियां निकाल लीजिए, मोमोज शीट्स निकाल लीजिए, या फिर एक छोटे छोटे पेड़े बना के छोटी छोटी इस तरीके की रोटियां तैयार कर लीजिए। इस तरीके से छोटे छोटे मोमोज शीट्स तैयार कर लीजिए। सारी की सारी जो मोमोज शीट्स हम तैयार कर लेंगे उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। तो ये मोमोज शीट्स हमने सारी बना के तैयार कर लिए, आइए इसे स्टफ कर लेते हैं। तो सारी तैयारियाँ हमारी हो गई है, स्टफिंग को हमने तैयार कर लिया है और मोमोज का जो हमने आटा गूंद के रखा था उससे हमने मोमोज शीट्स तैयार करके रख लिए और आइए अपने मोमोज को फोल्ड कर लेते हैं। एक मोमोज शीट लेंगे हम और इसके बीच में स्टफिंग रखेंगे। किनारों पे हल्का हल्का पानी लगाएंगे ताकि शीट्स को जब हम फोल्ड करें तो किनारे आसानी से आपस में चिपक जाए। और ये मोमोज बनाने का पहला तरीका बता रहे हैं। मोमोज की शीट को बीच में इस तरीके से हाफ फोल्ड कर देंगे, किनारों को अच्छे से चिपका देंगे आपस में।
और दोनों किनारों पे पानी लगाएंगे और इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। तो ये देखिए कितना आसान तरीका है, ये पहला मेथड है मोमोज़ बनाने का। ये बहुत ही आसान तरीका है मोमोज़ बनाने का, इस तरीके से मोमोज़ कोई भी बहुत आसानी से बना सकता है। और अब आइए आपको दूसरा मेथड बताते हैं। एक मोमो शीट लेंगे और इसके बीच में थोड़ी सी स्टफिंग रखेंगे। शीट के किनारों पे पानी लगाएंगे ताकि जब हम मोमोज़ को फोल्ड करें तो आसानी से सारे इसके किनारे चिपक जाएँ। और इस तरीके से उठाते जाएंगे और फोल्ड करते जाएंगे, प्लेट्स डालते जाएंगे और फोल्ड करते जाएंगे। और लास्ट में जो आटा बचेगा उसको या तो आप इस तरीके से निकाल दीजिए, जिस तरीके से हम फोल्ड करें इसी तरीके से आप इसे फोल्ड करके दबा दीजिए। तो ये देखिए ये भी मोमोज़ बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। और आइए आपको तीसरा मेथड बताते हैं। एक मोमोज़ शीट हमने ले लिए, इसके बीच में हम रखेंगे स्टफिंग, किनारों पे पानी लगाएंगे और एक साइड से इसको फोल्ड करेंगे। स्टफिंग को बीच में दबाते रहेंगे ताकि स्टफिंग बाहर ना निकलने पाए। और अब दूसरी साइड से फोल्ड करेंगे इसे, इस तरीके से प्लेट्स डालेंगे तो चारों साइडों से फोल्ड करके इस तरीके से प्लेट्स डाल देंगे। तो ये देखिए ये भी मोमोज़ बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। और आइए अब आपको मोमोज़ बनाने का चौथा मेथड बताते हैं। एक हमने मोमोज़ शीट ले लिए और इसके बीच में रखेंगे थोड़ी सी स्टफिंग, किनारों पे पानी लगाएंगे थोड़ा थोड़ा ताकि जब हम शीट्स को फोल्ड करें तो आसानी से ये चिपक जाए। इस तरीके से हाफ फोल्ड करेंगे, पूरा इसका मुँह हमें बंद नहीं करना है, किनारों से इसे अंदर को दबाएंगे और इसे इस तरीके से दबा देंगे और एक साइड से प्लेट्स डालेंगे और दबा देंगे, फिर दूसरी साइड से प्लेट्स डालेंगे और दबा देंगे। इसी तरीके से हमें प्लेट्स डालते जाना है और दबाते जाना है, प्लेट्स इस तरीके से डालते जाना है और दबाते जाना है। तो ये देखिए ये भी बहुत आसान तरीका है मोमोज़ बनाने का। और ये अगला मेथड है मोमोज़ फोल्ड करने का। एक साइड से हम प्लेट्स डालते जाएंगे इस पर और दबाते जाएंगे और दूसरी साइड से हमें प्लेट्स नहीं डालना है, दूसरी साइड को उठा के हमें इस तरीके से चिपका देना है। तो ये देखिए मार्केट में जिस तरीके के मोमोज़ बनते हैं इसी तरीके के मोमोज़ हमें मार्केट में मिलते हैं। और आइए हम बाकी के सारे अपने मोमोज़ भी इसी तरीके से फोल्ड कर लेते हैं। जितने मोमोज़ हमें स्टीम करने थे उतने मोमोज़ हमने बना के तैयार कर लिए। तो आज हमने आपको 1, 2, 3, 4, 5 तरह के मोमोज़ बनाने सिखाए हैं, 5 तरह के मोमोज़ फोल्डिंग आज हमने आपको बताए। और आइए अपने मोमोज़ को स्टीम कर लेते हैं। अगर आपके पास मोमोज़ स्टीमर नहीं है तो मोमोज़ स्टीम करने का ये बहुत ही आसान तरीका है। एक भगोना में चढ़ा लिया, इसमें रख दिया है पानी उबलने के लिए। और इस तरीके से सब्जी धुलने की जाली तो सबके घरों में मिल जाती है, तो इस जाली को इस पर रख देंगे और इसके ऊपर लगा देंगे ऑयल। ऑयल लगा देने से मोमोज़ छन्नी में चिपकेंगे नहीं, आसानी से छूट जाएंगे। अच्छी तरीके से हमें ऑयल लगा देना है छन्नी के ऊपर और अब इसके ऊपर अपने मोमोज़ सेट करते जाएंगे। तो जो हमने मोमोज़ बना के तैयार किए वो सब इस पर लगाते जाएंगे और थोड़ी थोड़ी जगह इसमें छोड़ते जाएंगे, क्योंकि जब मोमोज़ स्टीम हो जाते हैं तो उसके बाद भी ये थोड़े से फूल जाते हैं। देखिए अच्छी तरीके से स्टीम बनने लगी है, ढक्कन लगा देंगे और 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे अपने मोमोज़ को स्टीम कर लेंगे। तो आपसे मिलते हैं 15 मिनट के बाद। मोमोज़ को स्टीम होते हुए 15 मिनट हो गए, मीडियम फ्लेम पे 15 मिनट के लिए मोमोज़ को हमने स्टीम कर लिया है। और आइए चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए मोमोज़ हमारे फूल फूल के साइज़ में कितने डबल हो गए, अच्छी तरीके से हमारे मोमोज़ स्टीम हो गए। और आइए अपने मोमोज़ को निकाल लेते हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त है हमारे मोमोज़ बन के तैयार हुए। तो सारे मोमोज़ हमने प्लेट में निकाल लिए और आइए मोमोज़ का नेक्स्ट बैच भी स्टीम कर लेते हैं। तो आइए सेकेंड बैच भी स्टीम कर लेते हैं मोमोज़ का। हमारे ज़बरदस्त से पनीर मोमोज़ स्टीम हो गए, आइए अपने मोमोज़ को मोमोज़ चटनी के साथ सर्व कर लेते हैं। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।